खमांगणी सब, आज आपने मैं सरादा की कहानी सुनाबा जा रही हूँ। तो एक जोगी और एक भोगी हो, तो ये दोनों भाई है। तो ये दोनों भाई अलग अलग रहता, पर आ दोनों भाइयों प्रेम हो तो जोगी तो वो तो पिसण और भोगी जो वो सावी गरीब हो। पर भोगी की पत्नी ने बहुत ही शांत स्वभाव की है और जोगी की पत्नी एक बार बहुत ही घमंडी ही और दिखावटी ही। जब वो भोगी बोलियो जोगी ने आपका भाई ने कह भाई आया श्राद्ध आएगा जो आपा अपना बड्डेरा का जो श्राद्ध काटा। जब वो जोगी बोलियो के काटे डाई वो कहीं यहाँ समझो को नहीं के भाई आपा श्राद्ध वो ओला टोला कर दिया, ओला टोला कर दिया। जन फिर बा जोगी की पत्नी बोली कह जो आपा श्राद्ध काटा, पण बस श्राद्ध को नाम ले पण बिना तो है जो दिखावटी बात आपका पीर कान बुलार भाई चुको भोजन बनार बने जिम्बावा की। जन क्यों थे चिंता मत करो कि मैं हमारी दोराणी ने बुला ले सू और क्यों मैं दोनों जने साथ रखियो खूब बढ़िया भोजन बना ले सू। जन फिर बा आपकी भोगी की पत्नी बुला ली बा जिठान बिल बुला और फिर आपकी वह चो कितना खूब बढ़िया पकवान बना लिया। पकवान बना लिया बा आपकी बा भोगी के पत्नी बोले कि अब मैं थाने काम करा दी और मैं भी मारे घर जाऊं क्यों मैं भी देखा कोई तैयारी करूं। जन फिर बा आपकी घर आएगी भोगी के पत्नी। जन बा आर देखे तो बिके तो घर में तो की कोने पर बा काय करो आपकी कोरो कोरो कलशो भर पानी को और मेल दियो का अपना पितरा सी तो अपना पानी तो पीर जासी ना। जनवा जन फिर बकाई करो आपकी जोगी की पत्नी तो चौकी आपकी पीर आला ने बुला लिया और चौक जिमना जिमावे बने बढ़िया खूब क्योंकि बहुत दिखावटी। जन फिर पितर आया जी भी जोगी के घर आया। जन वो देखे तो नहीं तो ना पानी को कलशो भरेड़ो पितरा के और नहीं पितरा के भोग काटेड़ो। जन फिर वे पितर निराश हुई अर बोले के तो जिमणार तो चाल रहे पर आपने लिए तो क्यों की गुण बनाए तो वे इं कर भूखा ही और आपके भोगी के घर चले गए। भोगी के घर चले गए तो बठे भी देखे तो भोजन को नहीं पर वे काय करो क्या भोजन तो को नहीं पर आपने लिए देख पानी तो भर मेल मिले है तो वे पितर काई आपके पानी पीर भी का घर चले गया। जो नदी के किनारे जो सगला ही आपके पितर भेड़ा गया जन कोई तो कह माने ने जो बेटा बू देखो ओ जमाए देखो माँ के भाई भोजाई जो माने इतना बढ़िया बढ़िया पकवान जमाए आप से वे सगला जना बात करे। जन फिर वे पितर बोलिया के भाई जय भोगी के घर गरीबी नहीं होती ना तो वो आपने भूखो कदे कौन जाबा दे तो आपने भोजन करा रे भेजता पर भी खुद के खाबा नहीं भोजन को नजर आपन खटा खा दे जन क्यों आपा तो और नहीं तो क्यों बिना आशीर्वाद ही देवा। जन फिर वे काय करो वे पितर है जगह आपके नाचर बोले भोगी के घर खूब धन दौलत हो भोगी के घर खूब धन दौलत हो। जन फिर वे जगह भी भोगी का वे टाबर है जगह बोले आपकी मन है कह माँ है जो श्याम होगी सिंजाबाज की मन तो भूख लगी है जन अभी के घर में तो की कौन जन बा काय करे जन बा कह क्यों क्या तिब्बारा का माँ हांडी पड़े क्यों जाओ क्यों खालियो क्यों जा क्योंकि बिना गुस्सा आएगो। जन फिर वह टाबर गया तो भी हांडे में देखे तो भी माँ ने तो सोना की मोहरा जन क्यों देख माँ क्यों आपने तो देखियो ये हांडी का माँ ने तो सोना की मोहरा है क्योंकि वे पितर एक जो खूब नाचा कह बा घर खूब धन दौलत हो तो वह पितर का आशीर्वाद खूब घर में धन दौलत हो। तो फिर वो भोगी की पत्नी खूब खुश हुआ खुश और बोलिया कि अपना तो पितरा की बजाऊ सब कुछ हुए तो अब के श्राद्ध आसी जन आपा अपना श्राद्ध काट से पितरा ने जिम्मा से। जन फिर एक साल बाद का मायने श्राद्ध आया जन आपकी भोगी और भोगी की पत्नी एक जो को 56 प्रकार का तो भोजन बढ़वाया और पितरा का श्राद्ध काटा और ब्राह्मणा ने जिमाया सगड़ा ने और फिर आपका जेठ जिठानी ने बुलाया बने भी इन्हें सोना चांदी हूँ मैं बर्तना के मायने
भोजन करायो तो आई सरादा के काणे।